जी अलहमद रिकवरी अच्छी चल रही तो फास्ट बॉलर्स को काफ़ी मतलब मैंने सुना है इंजरी से ऑब्वियसली प्रोन होते हैं तो उस उससे मतलब आपको रिकवर करना या सही रहता है देखिए फास्ट बॉलर को इंजरीज तो होती हैं दुनिया का कोई भी फास्ट बॉलर हो क्योंकि बाकी आ, बैटिंग हो गया स्पिनर इनकी इनका जॉब थोड़ा सा बनस्बत फास्ट बोलर आसान है क्योंकि फास्ट बोलिंग करना इट्स नॉट इजी और फास्ट बोलर को इंजरीज होती रहती हैं और तो उससे परफॉर्मेंस करना मतलब मुश्किल होता होगा ऑब्वियस ओबीसी बात है आप जब जब वापस आते हो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आप अच्छे से रिदम में होते हो इतनी अपनी यू नो प्रैक्टिस की होती सारी बॉलिंग की होती है अचानक से आपकी बॉलिंग रुक जाती है और देन इंजरी पे डिपेंड करते है कितनी बड़ी इंजरी और आप और वापस दो तीन महीने लग जाते हैं या छोटी इंजरी एक महीना लग जाता है तो आपकी बॉलिंग जब स्टॉप होती है तो आपकी सॉरी बॉडी पे जो है ना वो असर होता है और दोबारा आप आते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन दोबारा आप रिथम पकड़ लेते हो तो आपको मतलब दुख तो हो होगा कि आपकी इंजरी की वजह से आप वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए देखिए ओबीसी बात है इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुख हुआ है क्योंकि ड्रीम होता है हर प्लेयर का कि वो अपने कंट्री के लिए वर्ल्ड कप खेले और आ, मेरा भी ड्रीम था कि मैं वनडे वर्ल्ड कप खेलूं क्योंकि ये चार साल बाद होता है और काफ़ी तैयारी थी अच्छा रिदम था सारी चीजें थे लेकिन समटाइम यू you नो know, आपके कुछ प्लेन्स होते हैं अल्लाह ताला के डिफरेंट प्लेन होते तो आ, जो भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उसके लिए यू नो ऑलवेज रेडी होते हैं क्योंकि हमारे आ, हमें एक ही चीज़ आती है क्रिकेट खेलना और वही हम खेलते रहते हैं तो लाइफ में ये भी चीज़ें आती है अचानक से इंजरी आ गई तो मैं उसके साथ कुछ कर तो नहीं सकता नहीं। क्योंकि, नहीं। नहीं। क्योंकि इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी टाइम आपको आ सकती हैं आप आ, चलते फिरते आपका पैर मुड़ जाए या आप, आप डाइव मार रहे हो कुछ भी होता है सो ये लाइफ का हिस्सा आते हैं आपको लगता है कि अगर आप वर्ल्ड कप में होते तो परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी देखिए एक कम्बीशन अच्छी बनी होती है और आ, इससे पहले जिस तरह की एक आ, हमारी कम्बिनीशन बनी हुई थी फास्ट बॉलर्स की तो आई थिंक थोड़ा बहुत यू नो you know, आपकी कम्बिनीशन ख़राब होती है लेकिन सारे यू you नो know, अच्छे प्लेयर हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है तो अभी सी बात है वो आ, बहुत परफॉर्म करके आया होता है और वो यू you नो know, अच्छा प्लेयर होता ही तो इंटरनेशनल खेलता है तो आई थिंक अब आई डोंट नो मैं खेला नहीं हूँ मैं खेलता तो फ़र्क पड़ता ऑब्वियस सी बात है जितना मैं यू नो पीछे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए कंसिस्टेंटली आ रहा था तो वो थोड़ा सा कम्बिनेशन में होता है यू नो फर्क वर्ल्ड कप में ना खेलने का ज़्यादा दुख है या उर्वशी से ना मिलने का ज़्यादा दुख है <laughs> क्योंकि उर्वशी रोटेला भी आपका वेट कर रही थी वहाँ पे ये सीन क्या है ये किस्सा क्या है सारा ये जो एकदम से बढ़ा है, उर्वशी वाला यार इसका मुझे तो नहीं पता अगर आपको कुछ पता है तो आप ही बता <laughs> आपकी से कुछ नहीं है वन साइडेड लोग कुछ कुछ भी बना लेते हैं उसका तो आप कुछ कह नहीं सकते लेकिन वर्ल्ड कप का जरूर दुख है, बाकी, आ, उसका दुख हुआ बाकी उसका मुझे तो नहीं हुआ अगर किसी और को अच्छा आपको नहीं हुआ। जी। हमें जवाब आपने दे दिया एकदम से आपको एक तो आपको उस बारे में क्या लगता है देखिए फास्ट बोलर लास्ट में जब भी आ, जब आता है और इस तरह के मैच फिनिश करता है तो अब इसी सी बात है क्योंकि बहुत कम लोग एक्सपेक्ट करते हैं फास्ट बोलर से कि लास्ट में आके यू नो मैच फिनिश कर देगा क्योंकि वो सिचुएशन बहुत टफ सिचुएशन होता है और प्रेशर भी होता है आ, क्योंकि एक ही विकेट होती है और उसके बाद आपका मैच जो है ना खत्म खत्म होना होता है लाइक आप हार जाते हो तो ऑब्वियसली एक फास्ट बॉलर पे भी प्रेशर होता है और लास्ट पे इस तरह क्रुशल सिचुएशन में जब आप म्यूनो चक्के लगा देते हो तो फिर लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि पूरा मैच यू नो बदला होता है और लास्ट में आप उस मैच को पलट के आप जीत जाते हो तो You know, ये है कि मैं बैटिंग पे अपनी आ, कोशिश करता हूँ और जब भी जरूरत पड़ती है तो उसको इंजॉय करता हूँ मतलब आप दोनों बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग पे भी फोकस रखते हैं प्रैक्टिस में देखिए मेन फोकस तो बॉलिंग पे है और बॉलिंग के बाद यू नो जब भी टाइम मिलता है तो बैटिंग पे भी काम करते हैं जैसे जरूरत पड़ती है टेस्ट क्रिकेट में आपको आ, दूसरे अगर आपके साथ अच्छा बैट्समैन खेल रहा हो या कोई भी बैट्समैन हो आप उसके साथ देते हो पार्टनरशिप लगाते हो तो वो जो पार्टनरशिप होते हैं टीम को तोड़ देते हैं क्योंकि वो मेंटली तैयार होते हैं कि बस अभी खत्म होने वाला है और लास्ट विकेट और फिर लास्ट विकेट पे आप पार्टनरशिप करते हो तो वो जो गिरना होता है ना वो फिर बहुत ज्यादा इंसान गिर जाते हैं जो जो टीम वाले होते हैं ना क्योंकि वो बस तैयारी में होते हैं कि बस अब ख़त्म होने वाला है काम और वहीं से आप पचास साठ सत्तर का पार्टनरशिप लगा दो बैट्समैन के साथ तो तो वो बिल्कुल ही गिर जाते हैं। तो वैसे आप है? से? से तो क्योंकि घर में हम क्रिकेट खेलते थे लोगों के साथ, तो नो शौक तो था और फिर स्कूल में जब ब्रेक का टाइम होता था तब हुँँ. भी खेलते थे लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट का नहीं मुझे आपको एक को कहते हैं ना जिस तरह हीरो को जोहरी ढूंढते आपको किसने ढूंढा देखिए मैं मैं ये कहूँगा कि मैं थोड़ा सा उस मामले में लकी भी रहा कि क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब मेरे साथ और भी आ, लड़के खेलते थे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे लेकिन वहाँ पे अब आ, हमारे गांव में इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी क्रिकेट की कि यार अब ये लड़के में इतनी एबिलिटी है कि वो ये जाके प्रोफेशनल क्रिकेट हार्ड बॉल स्टार्ट करके ये आगे लेवल पे खेल सकता है लेकिन वहाँ पे मेरा एक खालू था और मेरे बड़े भाई को थोड़ा बहुत क्रिकेट का पता था तो मैं बॉलिंग तेज़ करता था तो वहाँ पे कुछ जो लोगों को क्रिकेट की समझ थी उन्होंने बोला कि यार इसमें है टैलेंट है और ये तेज़ बॉल कर आता है तो इसको आप लोग प्रोफेशनली किसी अकेडमी में डाल दो तो फिर वही से उन्होंने जो है ना फिर वहाँ से मैं लाहौर आया तो मैंने यहाँ पे अकेडमी स्टार्ट की सही आप अपना किसी को क्रिकेट आइडल मानते हैं किसी को बड़े होते हुए आपने फॉलो किया हो देखिए सच बताओ तो उस टाइम इतनी समझ नहीं थी क्रिकेट हाँ। की कि यार खुद खेलते थे एंजॉय करते थे लेकिन इतना देखने का शौक नहीं था अब मुझे हाँ। जो याद है मैंने मतलब फर्स्ट टाइम जो मैच याद है मुझे ये भी नहीं याद कि वो मैच था लेकिन शेन बॉन्ड जो न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है वो मेरे जहन में से ताकि उसका ना मुझे एक्शन बड़ा पसंद आया अच्छा। मैच चल रहा था तो वो मैं कोशिश करता है मैं इसके तरह ना बॉल करूं तो फिर उसके बाद कभी शेब अख्तर बड़ा यू नो नाम होता था तो उनके यूट्यूब में वीडियो निकाल के बड़ा उनके तरह यू नो स्टाइल ये सारे फिर बाद में पता चला वकार मतलब उस टाइम नहीं हमें क्रिकेट का इतना आइडिया था कि यार आ, ये हमारे यू नो लेजेंड प्लेयर्स हैं क्योंकि हमने तो देखी नहीं थी वो उस जमाने

अब वो जमाना शायद नहीं रहा क्योंकि देखे अब जिस तरह के पिचेस होते हैं जिस तरह के छोटे छोटे ग्राउंड्स होते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में आप दुनिया के कहीं भी देख लो तो यू नो फ्लैट पिचेस होते हैं आपको स्मार्ट बॉलिंग करनी करनी होती है आपको अच्छी जगह से इन स्विंग आउट स्विंग वेरिएशन आपको आनी चाहिए आपको ये, आ, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार इस टाइम पर मैं ये बॉल कर रहा हूँ बैट्समैन किस चीज के लिए रेडी है यू नो कंडीशन को जल्दी रीड करना तो आई थिंक ये चीज़ अब काम आती है अगर मैं यू नो you know, सिर्फ पसलियाँ तोड़ूंगा और आउट नहीं करूँगा या सर तोड़ूंगा किसी हाँ। का और आउट नहीं करूंगा तो मैच तो हार जाऊंगा तो कहने का मकसद ये कि अब एग्रेसिव एग्रेसिव आपको होना चाहिए लेकिन आ, मैं जिस चीज को एग्रे, एग्रेसिव, जिस चीज को मैं कहता हूं कि आप बैट्समैन को तंग करो अच्छी एरिया से बॉल करो उसको रन नहीं दो उसको ऐसी एरिया से बॉल करो जहां पे वो उसको समझना है कि यार मैं मारने जाऊं क्योंकि मैं इस चीज को अग्रेसिव कहता हूं आप किसी को जाके कि गालियां दे के ये वो नहीं, करके मुझे नहीं लगता कि अग्रेसिव है अग्रेसिव आपको बॉलिंग में भी होती है और हाँ आप किसी के साथ अपना यू you नो know, इतना फ्री मत होना आपके जाके बैट्समैन को आप हंसते हो और आप अपना you know, ये चीजें करते हो तो ये है कि मैं तो एग्रेसिव इस चीज़ को कहता हूँ कि जितना आप काम उस प्रेशर सिचुएशन में रहते हो और आप अपना ब्रेन यूज करते हो और एग्रेशन दिखाओ बॉलिंग में। सही बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन आपका कोई एक ऐसा ओपोनेंट या एक ऐसा प्लेयर होगा जिसको आउट करने में आपको मजा है

बहुत कम चांस होता है कि आप उसको बैट बॉल करो उसको अच्छी जगह से बॉल करके कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉल करके आपने उसको आउट करना है तो इस तरह के यू नो कुछ वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जिनको आप बॉलिंग करते हो तो आपके लिए चैलेंज होता है और ऐसी कोई खास स्पेसिफिक टीम है जिससे आपको जिसको हराने का आपको मजा है नहीं देखिये कोई खास एक टीम नहीं है आप किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हो तो मैं तो जब

जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इलाके में हमारे गांव में किसी को ये अवेयरनेस नहीं थी और कोई भी पेरेंट इतने आराम से किसी को इजाज़त अपने बच्चों को नहीं देता था कि यार आप जाके यू नो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलो क्योंकि वो ज्यादातर कोशिश करते थे कि हमारे बच्चों का कुछ बने पढ़ाई करें ये छोटे से गाँव से कौन जाके यू नो प्रोफेशनल क्रिकेट और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएगा इतनी माइंड किसी की नहीं थी उस टाइम के यार अब किसी भी बच्चे को इजाजत दो क्योंकि हमारे इलाके में तो आ, कोई क्रिकेट की एकेडमी एक है न न ऐसी जहाँ पे आप क्रिकेट बॉल से खेल सको तो आपको दूसरी सिटी जाना पड़ेगा और उसके लिए कोई अलाउ नहीं करते थे तो आई थिंक मैं पहले ऐसे हूँ की मेरे फैमिली में मुझे अलाउ कर दिया कि ठीक है आप जाओ ट्राई कर लो अच्छा। अगर कुछ बना तो ठीक है नहीं तो वापस आओ अपने पढ़ाई जा रही तो ये तो था कि ऑबियस सी बातें अबू की तरफ से ये थी कि बच्चा पढ़े कुछ बने यू नो क्रिकेट ना खेले पर अब वो और भी प्राउड होते होंगे जब आपको देखते हैं सी बात है जब आई थिंक मेरे ख्याल से कोई भी भी पेरेंट्स उनका बच्चा अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहा रहा हो हो कुछ अच्छा कर लोग you know, अच्छा तो, हो और हमें हमारे अब हम किसी ने किसी ने तो फैमिली में सपोर्ट किया होगा जिसकी वजह से फिर आप गए बाहर देखिए जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि सपोर्ट यही था कि मेरे खालू थे जिन्होंने अहमद हुसैन उनका नाम है मैं नाम मेन्शन करूँ ताकि उनको ये पता हो कि यार मैं आपको भूला <laughs> नहीं हूँ उन्होंने एग्जैक्टली उन्होंने मेरे अबू से ना प्रॉपर लड़े हैं कि यार इनको आप जो है ना लाहौर अकेडमी भिजवा दो क्योंकि इसमें टैलेंट है तो आई थिंक वो सबसे पहले सपोर्ट तो वही थी कि यार उन्होंने घर से जो है ना परमिशन ली कि यार हाँ ये खेले सही अच्छा बाबर की, और शाहीन की में आपको क्या टीम में, दो तीन साल से खेला हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा यू you नो know, उन्होंने सपोर्ट किया और बहुत उनकी कप्तानी बहुत सिंपल है बस वो सिंपल चीज़ों पर बिलीव करते हैं अगर मैं बॉलिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे बार बार ये याद दिलाते हैं कि एक्स्ट्रा चीजों में नहीं जाना अपनी अः यू नो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे जाओ और अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करो और हमेशा वो काम रहने की कोशिश करता है क्योंकि एज अ बॉलर आपको क्या चाहिए होता है आपको चाहिए होता है कि यार आ,

आ, आप बाहर से नहीं जज कर सकते हो कि यार अब इसने क्या ऐसा डिसीजन लिया ऐसा नहीं, नहीं लिया जब आप खुद खेल रहे होते तो ज्यादा यू नो बेहतर आपको आइडिया होता है और अभी वो अ चार पांच मैच में आई थिंक कप्तानी की है तो अब इतने जल्दी तो आप नहीं किसी को जज कर सकते हो कि यार इसने यू नो क्या सही किया और क्या गलत किया तो आगे जाके मैं खेलूंगा कप्तानी में फिर आप जरूर पूछ लीजिएगा बता दू वर्ट बाबर इज लाइक यारों का यार उनको एक टाइटल दिया हुआ है वो बहुत अच्छी दोस्तियां निभाते हैं सुना है ग्राउंड पे भी वो दोस्तियां निभाते हैं आपको उस बारे में क्या चाहिए लेकिन अब क्रिकेट के अंदर तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो क्रिकेट के अंदर में ग्राउंड में खेलो किसी को चाय दी हो या किसी को जाके फौरन हक किया दोस्ती तो मैंने नहीं देखी बायस तो नहीं होते यार देखे मैं आपको एक बात बताऊ जब आप इंटरनेशनल मैच कोई भी खेल रहे होता है ना पूरी दुनिया आपको देखते हैं और सारी चीजों का सामने पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है उसमें आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकते हो ठीक है जो अच्छा खेल रहा होता है सारी दुनिया को नजर आ रहा है और जो अच्छा नहीं खेलता वो भी सारी दुनिया को नजर आ रहा है लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि आप प्लेइंग प्लेंग 11 में खेलते हो तो वहाँ पे आई डोंट नो क्या दोस्ती चल सकती है या नसीम मुझे एक बात बताओ कि न्यूजीलैंड सीरीज से लेके वर्ल्ड कप तक अभी तक पाकिस्तान मैचेस जीत नहीं रहा है रहे से परफॉर्म नहीं कर रहा है उसकी क्या रीजन है यार यारनेस्टली बताऊँ आपकी बात तो सही है कि परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी जैसे रही है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यू नो अच्छी परफॉर्मेंस हाँ कुछ अच्छी परफॉर्मेंस रही है लेकिन ज़्यादातर यू नो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी हुई है तो अगर मैं सही बताऊँ तो मैं तो आप लोगों के सामने मैं तो खुद टीम से तकरीबन पाँच छः महीने हो गए मैं नहीं खेला हूँ जब आप टीम के अंदर होते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है कि यार यू नो क्या क्या सही और है और क्या गलत हो रहा है इंडिया के साथ भी खेलती है तो बहुत ज़्यादा मतलब अंडर परफॉर्म करती है अक्सर रिसेंटली जो हम देख रहे हैं उसका क्या रीज़न है कि हम प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं आपके लिहाज से यार इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छी भी परफॉर्मेंस काफ़ी की है अभी जैसे एशिया कप में और पिछले वर्ल्ड कप में भी हम मैच जीते हैं इस वर्ल्ड कप में वो लोग जीते हैं तो देखिए वो बेस्ट टीम है Hmm. कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है कि इंडिया की यू you नो know, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीम है दुनिया में और आई uh, थिंक uh, uh, कोई मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी प्रेशर की बात होती है लेकिन गेम है सम टाइम आप हार जाते हो hmm. तो फिर यही लगता है कि यार आप उसी टीम से हार जाते हो hmm. जैसे आपने बात की कि सम टाइम आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं जा रही होती तो कोई भी टीम आपको आराम से हरा देती है एक फॉर्म की यू you नो know, एक कम्बिनेशन और एक एक रिदम आपका लगा होता है एक विनिंग कम्बिनेशन बनी होती है तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखो तो इतनी अच्छी वो परफॉर्मेंसिस नहीं रही सो इस वजह से वो यू नो इंडिया का मैच भी इसीलिए गया आपके लिहाज से क्या चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत है या बेहतर करने की जरूरत है अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए यार देखे अभी तो आ, मैं टीम का कोच नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ यू नो बता दूँ मैं ख़ुद प्लेयर हूँ मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ ठीक है कि यार मैं अपनी टीम के कैसे काम आ सकता हूँ काम आ सकता हूँ और आ, कितना हेल्प कर सकता हूँ अब क्या चीजें चेंज होनी चाहिए क्या नहीं टू अर्ली मैं ये बात कर लूँ उससे कुछ नहीं होना कि जो मैं चाहूँ वो हाँ मैं किस तरह टीम के काम आ सकता हूँ वो मैं जरूर ये कर सकता हूँ कौन करती है कौन सी टीम आपके लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है कि वो एग्रेसिव होते हैं अभी अभी तो फिर भी बेहतर हुए हैं लेकिन जब मेरा डेब्यू मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज में तो मुझे लगा कि वो लोग बहुत यू नो करते थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं तो उसको हैंडल किस तरह करते हैं देखिए जाहिर ही बात है आप आपके साथ कोई एग्रेसिव हो या कुछ भी हो तो क्रिकेट में तो इन्हीं चीज़ों का तो मजा है कि कोई ग्राउंड के अंदर आप दोस्ती यारी थोड़ी होती है ग्राउंड के अंदर आप एक दूसरे के समझो बस एक यू नो एक जंग चल रहा है आपने जीतना है तो वही चीज़ है कि

पहले स्टार्ट में बहुत एक्साइटेड आप होते एक दूसरे के साथ बड़ा क्लोज होते हो ये वो फिर आ, कुछ टाइम ऐसे होते कि यार, हाँ यार, तेरी देखना तो ये भी चीज होती है और मतलब छोटे छोटे बातों पे एक दूसरे से नाराज होना या इस तरह कुछ चीजें करना ये भी चलती रहती है जैसे फैमिली में चलती है आप बहुत ज्यादा रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें आपकी ये चीजें आ जाती है तो यही इंटरेस्टिंग होते हैं बाकी यही चीजें चलती रहती लिया साथ चले गए क्योंकि एक दूसरे को अच्छी कंपनी देते तो टाइम पास होता है। वैसे तो हैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हो यार इफ्तार अहमद वो बहुत फनी है बहुत फनी बातें करते हैं तो यू नो मजा आता है क्योंकि कोई ऐसा बंदा हो जो आपको हंसाता हो आजकल के दौर में तो किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है हाँ। तो वो कोशिश करते हैं कि यू नो लोगों को हंसाए इमामुलक इमामुलक हाँ। बहुत फनी है फनी मनी बातें करते हाँ। हैं तो टाइम एडजस्टमेंट होता है इंटरनेशनली भी कोई करते हैं वैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ आ, यार इंटरनेशनली आ, करते हैं मतलब मेरा इतना उनके साथ वास्ता नहीं रहा कि मैं बता दूं कि कौन ज्यादातर करते श्रीलंकन बड़े यू नो क्लोज होते हैं और वो गपशप करते हैं और विराट कोहली जब भी हमारा उनके साथ मैच होता है तो वो आते हैं वो पंजाबी में जुकते अच्छा, मारते रहते अच्छा, हैं तो शदाब को भी और यू you नो know, बड़े अच्छे वो पंजाबी में झुकते मारते हाँ। हैं तो वो हंसी वाले आपकी है विराट कोहली से मतलब बादशाह होती है या बिल्कुल हाय हेलो है बाकी और भी सी बात अब ग्राउंड पे तो पे जो। आ, जितना हो सकता है वो बहुत यू नो हम्बल है वो yes. आते हैं और यू नो मैच से पहले जब भी आप मिलते हो तो अच्छी तरह मिलते हैं और uh, हाय हेलो कर लेते हैं तो आई थिंक एक अच्छी चीज होती है आप स्पोर्ट्समैन मैन के आप बहुत बड़े यू you नो know, स्टार होते हो लेकिन आपके अंदर वो वो चीजें नहीं होती आप अपने

और के साथ सीरीज थी तो कुछ इंटरेस्टिंग हो बेकार बहुत, बहुत है मैं चीज़ें भूल जाता हूँ बहुत हुँ। जल्दी लेकिन यह है कि अभी इसी बात है थोड़ा डर तो लग रहा था कि हाँ। यार जहाज में फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम हो नहीं था डोमेस्टिक एक आधा फ्लाइट हो गया था उससे पहले लेकिन ये था कि इंटरनेशनली थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो थोड़ी बहुत घबराहट थी कि यार पहला इंटरनेशनल टूर है अब बाहर कैसे रहेंगे अब बच्चे थे गर्ल कॉल करते थे कि हाँ, हाँ यार हम पहुंच गए ये दुबई है हाँ। इस तरह के हम रूम में हैं और यू नो अच्छी मेमोरीज होती है जब आपका फर्स्ट फर्स्ट टाइम होता है फिर एक ऐसा भी टाइम आता है कि आप उन चीज़ों से तंग आ जाते हो जहाज में अभी भी आपको डर लगता है बैठते हुए यार अभी तो जितनी ट्रेवलिंग किया ना आप तो बस यही सोचा कि यार जो होना है वो होना है वो अल्लाह की तरफ से जब हाँ। आने है, आना है अब तो रिलैक्स बैठे होते हैं और बस जब जहाज में बैठते हैं तो पहले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको माफ कर दू हाँ। और फिर जो जो जहन में आते हैं तो उनको कहते जब तो जहाज हिलने लग जाते तो फिर मैं सबसे माफी मांग लेता हूँ अच्छा। भाई कोई पता नहीं अब जहाज हिल रहा है माफ कर दो पढ़ लेते तो

टीम में सबसे दोस्ती किस, किस साथ है दोस्ती हमारी ना ट्रिप चेंज होती रहती है दोस्ती का मतलब अब जो जिस टीम में जितने जो जो लड़के होते हैं मतलब चेंज होते हैं पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करो तो मैं ज्यादातर वसीम जूनियर हा, हारिस मोहम्मद हारिस और अ, मोहम्मद नवाज इफ्तार अहमद मतलब इन ये हम लोग साथ खाना खा लेते हैं और फिर जैसे अभी मैं लीग में था तो वहाँ पे बाबर इमाम तो उनके साथ बड़ा क्योंकि आप डिफरेंट यू नो पे हम चारों ही पाकिस्तानी थे नवाज था साथ हाँ। तो दोस्ती मतलब जैसे जैसे टूर्स चेंज होते तो दोस्ती भी चेंज नहीं होते नहीं। जो लड़के चले जाते है अपने तो फिर वो उनके साथ खाना वाना खाना उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना तो अच्छा लगा मतलब बाबर के साथ बाबर भाई के साथ पहले Uh, मतलब ये नहीं था इतना ज्यादा क्लोज के यू you नो know, खाना साथ खाना और उस, उतनी वो करना हुँ. तो चाय वगैरह साथ अब लेकिन इस दफ़ा वो इमाम में और नवाज भाई हम एल पी एल में थे तो हुँ. बड़ा हमने यू नो टूर को इंजॉय किया क्योंकि श्रीलंका में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इंजॉयमेंट के लिए तो हमें यह था कि यार एक महीना यहाँ पे गुजारेंगे बोर तो होंगे तो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रहा मैं और बाबर बाबर भाई चले जाते थे बाहर कोई घूम फिरने तो वहां तस्वीरें वगैरह निकाल दी हाँ। इमाम को जबरदस्ती निकालते हाँ। थे नवाज को तो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाबर हाँ। भाई के साथ मुझे सही बताओ तो इतना ज्यादा मुझे शौक नहीं है घूम फिरने का अच्छा। और बस होटल होता हूँ रूम में तो कोई एक्शन मूवी देखता हूँ मुझे देखने का शौक है क्योंकि उसमे फ वगैरा थोड़ी हाँ। सी नो इंटरेस्टिंग चीजें आती है तो वो मैं ज्यादा देखता हूँ और आ, कोई जबरदस्ती रूम से निकाले तो, तो निकाले वरना तो, तो बस तो so, अब हमारी ब्रेक का टाइम हो गया वापस आके हम लोग एक रैपिड फायर करेंगे so वेलकम बैक गाइस अब हम नसीम के साथ खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड अच्छा नसीम हम अब आपसे रैपिड फायर करेंगे इसका आपने फॉरन फॉर जवाब देना कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आपके दिमाग में जो पहली चीज आती है आपने बोल तो आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन होम होम पाकिस्तान बेसिकली फेवरेट म्यूजिक आ, यार मैं एक म्यूजिक बहुत सुनता हूँ गाड़ी में जब भी सुबह निकलता हूँ म्यूजिक है मेरी माँ के बराबर कोई नहीं बहुत जबरदस्त एक अच्छा एक सॉन्ग टाइप है सही. तो वो ज्यादातर मैं वो सुनता हूँ बाकी जो सुन लिया जिसने जो लगा दिया जो भी जिसने लगा दिया मुझे नहीं पता होता कि यार इस गाने का नाम क्या और ये गाना किसने गाया है उससे नहीं लेना देना लेकिन बस सुन लेता तो गाने की बात आ गई तो आप गाना ही सुना दे सुना आप, आपकी आवाज बहुत प्यारी है तो अगर आप, आप, गाना सुना दे आप प्यार से कहे तो आपके लिए एक मैं लाइन गा देता हूँ सदरा दे बुहे वे मैं तेरे लिए खोले हुई ना तू कदे हूं अखियां तोले तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सीरे आ मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गईया लाइया लाइया वेरी नाइस nice, आवाज भी आपकी बहुत प्यारी है बहुत लेकिन बस खराब ये मैंने। गाने तक ही रखना ये जो हाँ। मरना और ये ना ये सारी चीजें ये गाने तक ही गाने रखना तक अभी, ये अभी हुआ नहीं कि मैं आपके लिए किसी के लिए मर जाऊं बस ये थोड़ा सा गाने तक रखें बाकी अच्छा ये मैं अब आपसे कंटिन्यू कर रहा हूँ आपकी फेवरेट मूवी गब्बर अच्छा हाँ, हाँ, बिल्कुल गंपर, बिल्कुल गंपर आपको मैं एक रेकमेंड अगर कर आपको एक्शन मूवीज का शौक है एक है नेटफ्लिक्स पे एक्सट्रैक्शन अच्छा वो मूवी जगह तो अच्छा, 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 दिल की बात बताऊं तो यही होगा छुट्टियाँ मिलती है आपको घूमने फिरने का मुझे छुट्टियां मुझे एक साल भी मिले हाँ। ना कि घूमना हाँ। फिरना तो मैं बाहर कहीं ना जाऊँ हाँ। मैं इधर ही रहूँ भाई मैं पाकिस्तान में घूम लूंगा अगर चलो कहीं कराची चला गया इधर उधर बस पाकिस्तान ही नहीं, नहीं बाहर कोई नहीं सही अच्छा फेवरेट क्रश कोई वाइल्ड ग्रोइंग अप या हॉलीवुड लॉलीवुड बॉलीवुड कोई भी या फेवरेट एक्टर क्रश क्रश आप किसके हैं हमें पता है आपका कौन है यार मेरा क्रश कौन है Uh, मेरा क्रश uh, क्रिकेट है अच्छा कोई कोई... Uh, है आप के, यार आपके आप करीना हाँ, हाँ, <laughs> सोचा कि मतलब कौन मेरा क्रश है पर uh, जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो कुछ अगर तो जरूर बताऊंगा अभी तक सिर्फ क्रिकेट क्रश है आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस या लॉन्ग फॉर्मेट में सही बताऊ तो मैं इन्जॉय तीनों को करता हूँ लेकिन आ, अगर आप मुझसे पूछें तो हार्ड है टेस्ट क्रिकेट पर हाँ, टेस्ट क्रिकेट में आपकी रिदम लगी हो ना हाँ, और आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो और आपको विकेट मिल रहे तो टेस्ट से बेस्ट क्रिकेट कोई नहीं है सही लेकिन ऑब्वियस ही बात है वाइट बॉल में आपको रंगीनिया हाँ, रंगीनिया क्रिकेट तो आप एंजॉय करते हो तो वो भी है लेकिन रेड बॉल का मजा डिफरेंट है सही अच्छा लास्ट ओवर है एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको एक क्लास ओवर रहता है और 24 रन चाहिए जीतने के लिए कौन से पाकिस्तानी बैट्समैन को आप चूज करेंगे हम्म 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 जवाब जल्दी देने थोड़ा सोच के देना सोच के दे देना चलो अह रिसेंटली अभी जो टीम खेल रही है बेशक पुराने से भी अगर आपको चूज करना है या पुराने से तो फिर मुश्किल हो जाएगा बी रिसेंटली कर देते हैं अ uh, क्योंकि पुराने पे बहुत लंबा सोचना पड़ेगा हाँ, अच्छा ठीक है रीसेंट कर लें रीसेंट में मेरे ख्याल से मैं भेजूंगा बैटिंग पे इफ्तिखार सही अच्छा वन वर्ड फॉर रमीज राजा अह वेल स्पोकन मिकी आर्थर लोवे वटॉन अच्छा वकार यूनुस अह रिवर्स मास्टर मिकी आर्थर का लोवे वटॉन क्यों है? यार वो लोवे वटॉन वो कहते हैं ना वो जब uh, વાયતે તો મેં કહે રહે تھے કે લોવી વટન કે તરહ યુ નો બ્રાન્ડ બનના હે اچھا તો ફિર એક દિન મોહમ્મદ વસીમ ને વો લોવી વટન કા ના વો નામ મે સહી લે રહો ના તો વો પરફ્યુમ લિયા ہوا થા તો મેને કહા યાર કે અચ્છા તો યે ઇસકી વાત કરે મે યે તો બહોત મેંગા ભાઈ યે તો બનના અચ્છા સિદаб ખાન સિદаб ખાન સ્માર્ટ ક્રિકેટર એન્ડ બાબાર आजम બાબાર आजम બાબાર आजम કા ભી એક एक एक बोलना बोलना मतलब बड़ा मुश्किल है कि सारे लोग तो चलो क्रिकेट से हट के क्रिकेट से हट के मिस्टर कूल, इनको लुक्स के लिए रेट करें, शाहीन शाह क्या क्या, या किस में आउट ऑफ मतलब ये चार नाम है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक आपने करना है मतलब नाम शाहीन शाह इमाम बाबर आजम तो आपने ये सवाल इसलिए पूछा है की कोई ना कोई गड़बड़ होनी चाहिए नो, यार यार खुद तो आप आप आर... ना गुड लुकिंग अगलो को भी आप रेट करें ना के हर इंसान गुड लुकिंग होता है हाँ। अगर आप मैं किसी को कहता हूँ यार ये हाँ। गुड लुकिंग है और हाँ। ये गुड लुकिंग नहीं है हाँ। रिजवान माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग है शहीन देखे तो वो भी माशाल्लाह गुड लुकिंग है उसके अलावा आपने क्या नाम लिया इमाम और इमाम मलक तो माशाल्लाह मॉडल है पूरा और आखिरी क्या बाबर अब बाबर को आखिर में डाल नहीं आखिर में नहीं डायरेट कर दिया मैं हाँ। चार हाँ। तो चारों खूबसूरत है हाँ। चारों ही प्यारे हैं तो बुरेंग में सारे एक नंबर पे है हाँ, अपनी अपनी यू नो हाँ। क्लास देखने वाली की नजर में एग्जैक्टली ठीक हो गया अच्छा इन पे इसको टाइटल शुएब अख्तर डेंजरस ओके अहमद शहजाद अहमद शहजाद स्मार्ट क्रिकेटर आपके स्मार्ट वो मैंने शदाब को बोला था ना स्मार्ट तो ये भी मतलब स्मार्ट क्रिकेटर में आ सक मतलब स्मार्ट क्रिकेटर है सही शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी यार बूम 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 अच्छा और वसीम अकरम लास्टली स्विंग मास्टर ठीक हो गया बहुत अच्छा लगा नसीम आपसे बात करके दैट वाज इट आई होप कि आप बहुत जल्दी रिकवर करें अपनी इंजरी से एंड यू कम बैक खेलें और आप लोग देखते रहिए समालाओ